हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो एग्जांपल नंबर इज 1 इज ऑन पेज नंबर 71। सो टेक आउट पेज नंबर 71। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। दिस इज द क्वेश्चन। पार्ट 1 इज व्हाट इज गिवन टू यू। पार्ट 1 इज जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. ठीक है, दोनों बच्चों के पास कितने हैं टोटल 45, उनमें से 5 marbles दोनों के गुम हो गए. And the product of the numbers of marbles they have now. ठीक है, that is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Now we don't know how many marbles each have. तो हम ले लेते हैं. Let the number of marbles John had. तो सबसे पहले हमने John क्या ले लिया? The number of marbles John had is equals to X. So let us assume this. Similarly, the number of marbles Jivanti had, हमने उसे भी अज्यूम कर लिया. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल्स टू वाई. नाउ वी नो दैट कि टोटल मार्बल्स दोनों के मिला के कितने हैं 45 है, तो वाई कितना हो गया, यानी इसके पास कितने बचेंगे 45 माइनस एक्स. सपोज इसके पास 10 है तो जीवंती के पास कितने हुए 45 माइनस 10 दैट इज 35. तो हमें मिल गया कि जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स और जॉन के पास है एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स. नाउ सेकेंड कंडीशन अब कहती है कि दोनों के 5 मार्बल्स गुम हो गए. देयरफॉर अब हमारे पास क्या आया, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन. अब जॉन के पास कितने बच गए आफ्टर लूजिंग 5, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 बच गए. और जीवंती के मां पास कितने बच गए, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती दैट इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स माइनस 5. सो दैट बिकम 40 माइनस एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमारे पास क्या कंडीशन दी है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स they now have is 124. यानी कि according to question हमारी क्या equation बनेगी, that is अब जो उनके पास मार्बल बच गए हैं after losing, that is x minus 5 into 40 minus x. दोनों के पास जितने भी मार्बल्स बचे हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कहते हैं कि the number is 124. This is given to you. So let us simplify this. So x into 40 that become 40x, x into x that is minus of x square, minus 5 into 40 that is 5 4s are 20, 200, minus into minus this become plus 5 into x, 5x that is equal to 124. So let us simplify this more. तो ये आ गया हमारे पास minus of x square. अब like terms अब देखते हैं, 40 and 5 बोथ आर लाइक टर्म्स, तो ये कितना हो गया प्लस 45x माइनस 200 एंड ट्रांसपोजिंग दिस टू दिस साइड माइनस ऑफ 124 दैट इज इक्वल टू 0. सो इट बिकम माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 200 प्लस 124 दैट इज 324 इक्वल्स टू 0. नाउ x के आगे नेगेटिव साइन है, क्यों ना हम नेगेटिव कॉमन ले लें, तो माइनस वन कॉमन ले लिया. सो इट बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0. जब भी हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो सभी का साइन अपोजिट हो गया. नाउ मेकिंग फैक्टर्स, अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं. हमारे पास नंबर है 324. नाउ 324 को हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करें, 4 8 सा सो 81 आ गया, दैट इज 4 इंटू 9 इंटू 9. ये फैक्टर्स बने हमारे पास, 9 4 जा 36 इंटू 9
36 into 9 gives you 324 and 36 plus 9 gives 45. अब हमें क्या चाहिए? Minus of 45. So we can write it as minus 36 minus 9. और ये हमें क्या मिलेगा? Minus of 45 मिल जाएगा. तो हम इसके factorize करते हैं. So this is equals to x square minus of 36x minus of 9x plus 324 is equals to 0. Now taking common. First two terms में से और next two. First two में हमारे पास क्या common है? That is x. So taking x as common. So what is left? X को common लेने पर हमारे पास बचेगा. This is equals to x हमने common लिया. तो हमारे पास आ गया x minus 36x divided by x. So it is 36. इन दोनों में माइनस ऑफ 9 जो भी ये साइन है ये साइन यहीं पर रहेगा और नेगेटिव दोनों में 9 कॉमन है तो माइनस 9 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया x. 324 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 36 प्लस माइनस माइनस ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 0. सो व्हाट वी गेट द टू फैक्टर्स एज x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. So finally हमें x की वैल्यू क्या मिली? That is 36 and x is equals to 9. It means कि या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं और जीवंती के पास 9 है या जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स हैं. Now question number 2, part 2 is a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है? On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अब हमें नहीं पता कि कितने toys बन रहे हैं, तो हम ले लेते हैं let the number of toys. Number of toys produced per day is equals to x. केक कंपनी में x नंबर ऑफ टॉयज वो पर डे बनाते हैं तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी कॉस्ट कितनी है. इन्होंने कहा कि देखो द कॉस्ट ऑफ पर टॉय और ईच टॉय दैट इज 55 माइनस जितने वो प्रोड्यूस करते हैं इतनी कॉस्ट है. अब नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज 750 कि आपने जितने टॉय बनाए और जितने पैसे का वो हुआ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा दैट इज गिवन टू यू. मान लो आपने दो टॉय बनाए और एक टॉय 5 रुपए का है तो कितनी कॉस्ट हुई 2 इंटू 5 लाइक दैट. तो हमें क्या दिया हुआ है? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what is given? That is the number of toys produced into the cost. ठीक है, कितने toys बने उसकी क्या cost है दोनों को multiply करेंगे तो हमारे पास total amount आ जाएगा that is equal to 750. Now let us simplify. X into 55 that gives you 55x. X into minus x minus of x square. Transposing this to this side minus 750 is equals to 0. और minus x square plus 55x minus 750 is equal to 0. Dono side mein some negative number common le lete hain. What we get? If we take negative as common, it's easy ho jata hai. So it become x square minus 55x plus 750 is equals to 0. Ab humare paas ye number aa gaye. So let us factorize this. Ab humare paas coefficient of x square is 1. 1 into 750 is 750. अब 750 के फैक्टर्स बनाते हैं. 15 5 इज 75. सो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 15 5 इज तो 5 इंटू 10. तो हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं देखिए 5 5 इज 25 एंड 3 10 इज 30. 30 इंटू 25 करें तो 750 आ रहा है और 30 प्लस 25 करने पर वी गेट 55. बट वी वॉन्ट माइनस 55. So minus 30 minus 25 that gives you minus of 55
और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें प्लस का 750 भी मिल जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स बने एक्स स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टेकिंग एक्स इज कॉमन, दोनों के पास एक्स कॉमन है, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज एक्स माइनस 25x डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज 25। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस ले लेते हैं, दोनों नंबर 30 पे भी जा रहे हैं सो 30 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 30 को माइनस 30x को 30 से डिवाइड किया सो इट बिकम एक्स प्लस 750 डिवाइडेड बाय माइनस 30, दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आएगा 25। तो प्लस माइनस माइनस ऑफ 25, सो व्हाट वी गेट, एक्स माइनस 25 एंड एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेटिंग बोथ द फैक्टर्स टू 0, सो एक्स माइनस 25 इज 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 25 और एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 30। तो यानी कि अगर उस फैक्ट्री में 25 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं पर डे में, तो ईच टॉय की कॉस्ट कितनी हुई, 30 रुपीज। और अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं देन द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज रुपीज 25। थैंक यू।